परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना विराजमान स्नेह से तीर्थ शशि महाराज साहब तीर्थ बनने की यात्रा में पहले ही पड़ाव पर अहिंसा भगवती की आराधना के अहिंसा भगवती की विराधना से बचने के लिए और अहिंसा भगवती की आराधना के लिए स्वयं को तत्पर करने वाले श्रद्धालुगण, भगवती का स्वरूप यदि घर में जागृत करना है तो उसकी पहली बात आपके पास पहुंची कि घर में अभय का, भय मुक्ति का, निर्भयता का, ट्रांसपेरेंसी का माहौल होना जरूरी है। रिश्ते में जब डांट का झोन आ जाता है भय का, जैसे शेर पिंजड़े में है और बकरी बाहर बांधी हुई है और उसके सामने घास डाला गया है और बकरी घास खा भी ले तो वजन बढ़ने वाला नहीं है। शेर पिंजड़े में, शेर पिंजड़े के बाहर नहीं है, लेकिन बकरी को शेर दिख रहा है और बकरी शेर से भयभीत है। तो कितना ही पोषण करो, कितना ही पोषण दो, कितना ही इनपुट दो, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। वैसे ही तुम रिश्ते का कितना ही पोषण करो, यदि उसमें भय का माहौल है, यदि घर में भय है तो डेवलपमेंट नहीं होगी, प्रोग्रेस नहीं होगी। प्रायः माँ बाप ये शिकायत करते रहते हैं कि इतना किया बच्चे के लिए, इतना किया बच्चे के लिए, इतना किया बच्चे के लिए, क्या 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 कमी छोड़ी, एक ही बात की कमी छोड़ी है कि भय का माहौल बना के रखा हुआ है। परीक्षा में फेल होने के कारण से कोई स्टूडेंट सुसाइड नहीं करता है, स्टेटमेंट को आराम से सुनते चले जाए। एग्जाम में फेल होने के कारण से स्टूडेंट सुसाइड नहीं करते हैं तो रिश्ते फेल हो जाते हैं इसलिए सुसाइड करते हैं। उस बच्चे को पता है कि ये रिजल्ट के बाद मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स मेरे साथ क्या बिहेव करेंगे। यदि उस बच्चे को पता होता है कि फेल होने के बाद भी माँ बाप मुझे सपोर्ट करेंगे, फेल होने के बाद में माँ बाप मुझे संभाल करके लेंगे, संजो के लेंगे, आगे बढ़ने का एक चांस देंगे, तो कोई स्टूडेंट फेल होने के बाद सुसाइड कर नहीं सकता है। तो ये जो भय का माहौल है, इस भय के माहौल से पहले अपने घर को मुक्त करें। घर में इस प्रकार का माहौल न रखे कि लोगों को लगे कि वो जकड़े हुए हैं, उनको मूव करने के लिए स्कोप नहीं मिल रहा है, स्पेस नहीं मिल रहा है। हिटलर के शासन में रहते हुए कोई खुश नहीं रह सकता है, प्रेरणा चाहिए। आप जानते हो जैसे जैसे ओपन मार्केट में बात पहुंचती है वैसे वैसे कंपटीशन के कारण से लोगों की डेवलपमेंट होती है। रिजर्वेशन में डेवलपमेंट नहीं है, ओपन मार्केट में एक स्कोप है, एक स्पेस है। इस देश ने रिजर्वेशन के बहुत दुष्परिणाम झेले हैं सदियों तक, और भगवान महावीर से रिजर्वेशन के खिलाफ उस समय भी थे कि जिस समय ब्राह्मणों ने धर्म का रिजर्वेशन करके रखा था, नॉलेज का रिजर्वेशन करके रखा था, साधना का रिजर्वेशन करके रखा था कि धर्म कोई कर सकता है, धर्म कोई समझ सकता है, ज्ञान की साधना कोई कर सकता है तो केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है।
दूसरा करे तो गुना, स्पेशल राइट ब्राह्मणों के थे और उसके परिणाम आप जानते हो कि पूरा देश पिछड़ गया। चंद व्यक्तियों के हाथों में जिस समय सत्ता सिमट कर रह जाती है, चंद व्यक्तियों के हाथों में जिस समय सारे स्पेस और सारी संभावनाएं पर उनका कब्जा हो जाता है और बाकी की पूरी जनता जब वंचित हो जाती है, फिर वो दलित बन जाते हैं, फिर वो पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए भगवान महावीर ने गुलामगिरी का विरोध किया, दास प्रथा का विरोध किया। दास बनाने का मीनिंग है कि उसका स्पेस छीन लेना, उसका स्वातंत्र छीन लेना। इसलिए भगवान महावीर ने भाषा के विषय में एक बात कही, आदेशकारी भाषा का प्रयोग मत करो घर में। नो आज्ञा वे हुआ, नो आज्ञा वे हुआ, हुकुम मत चलाओ घर में। ये बात कर रहा हूं मैं केवल एक संदर्भ में, बंधे, ये हुकुम में बन जाते हैं लोग और बन गए कि स्पेस समाप्त हो जाता है। इसलिए ये जो पांच अतिचार है, उन अतिचारों की चर्चा आपके साथ चल रही है कि घर में ये वायरस नहीं होने चाहिए। ये वायरस रहेंगे तो कितना ही प्रेम करो उसके परिणाम नहीं आएंगे। इस वायरस, ये पांच वायरस है जो आपके अंदर के प्रेम को, आपके अंदर के अहिंसा को, आपके अंदर के संयम को बीमार कर देते हैं। हिंसा करोगे तो अहिंसा मर जाएगी, लेकिन बहे वहे बंधे, बंधे वहे छवि छे आई भारा रोपणे भत्त पान विच्छी है। इसके कारण से अहिंसा मरेगी नहीं, लेकिन उसको कैंसर हो जाएगा, बीमार हो जाएगी। और ऐसा ही हो रहा है अपना। हुकुम, ऑर्डर, आक्रोश, आदेश, ए चुप बैठ, मारोगी आज। और हमने देखा है इस कारण से कैसा पीछे आक्रोश तैयार होता है। जब घर के अंदर बोलने का मंच नहीं मिलेगा तो व्यक्ति बाहर बात करेगा, और घर के अंदर बोलने का मंच मिलेगा, घर के अंदर बात करने का स्वाधीनता मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा, तो बाहर किस लिए बात करेगा। इसलिए बंधनों, मर्यादा होनी चाहिए लेकिन बंधन नहीं होना चाहिए। सीमाएं होनी चाहिए, लिमिटेशंस होनी चाहिए, लेकिन बंधन नहीं होना चाहिए। यही विवेक है। छवि छह की बात मैंने आपसे करी, आज मुझे केवल दो बातों पर चलना है, आई भारा रोपणे और भत्त पान विच्छीये। अधिक भार भरना है, अधिक भार लादना, अधिक बोझ लादना है, स्वयं पर भी, दूसरों पर भी, परिवार पर भी, समाज पर भी, किसी व्यक्ति पर भी। ओवर वर्क करा लेना है, ये आपके अंतराय का बंद करेगा। भट्टपान विच्छेद और आई भारोपण, ये दोनों साथ में, इनको अलग नहीं कर पा रहा हूं मैं। जो जैन मेथोलॉजी को जानते हैं उनको ढंडन रुचि की कहानी याद होगी। भगवान ऋषभदेव, भगवान अरिष्ट नेमि के शासन में
वासुदेव के परिवार का एक व्यक्ति ढंडन, उसने दीक्षा ली और उसको आहार नहीं मिल रहा है। गोत्री जाता है, सबको आहार मिलता है, उसको आहार नहीं मिल रहा है। भगवान अरिष्ट नेमी से उसने जाकर के पूछा, कारण क्या है? जो सबको मिल रहा हूं मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? क्या गलती है? कहां पर प्रॉब्लम है? और भगवान अरिष्ट नेमी ने उसका पास्ट ओपन करके बताया, पिछले जन्मों का उसका चरित्र ओपन करके बताया, उसका अकाउंट ओपन हुआ। उस अकाउंट में एक इंसिडेंस, एक प्रसंग कि वो जमींदार है, खेती में हल चल रहे हैं और हल चलाने वाले बैल भी है और हल चलाने वाले हलदर भी है। दोपहर का समय हुआ है, 12 बज चुकी है, भोजन का समय हुआ है, मजूरों को भी भूख लगी है, बैलों को भी भूख और प्यास लगी है। अरे ढंडन रुचि की आत्मा उस जन्म में जमींदार है, वो वहां खड़ी है और मजूरों ने अपने मालिक से पूछा, अभी हल चलाना बंद कर दे, थोड़ा भोजन कर लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं, पशु भी चारा पानी कर लेंगे और उसके बाद फिर काम करेंगे। और ढंडन रुचि की आत्मा जो उस समय जिम्मेदार बनी हुई थी, उसने कहा कि नहीं, पहले पूरा खेत हल चला लो, ये पूरी हल चलाने के बाद ही भोजन करना है, पहले नहीं करना है। और हुक्म के ताबेदार वो मजूर जिन्हें भूख लगी थी, जिनको प्यास लगी थी, बैल भी थक चुके थे, वो हल चलाते रहे, हल चलाते रहे और हल चलाने का काम पूरा होने के बाद भोजन के लिए बैठे। लेकिन उतने समय में, उस सारे दौरान में उन्होंने हल तो चलाया, लेकिन हल के हर कदम पर वह अपनी भूख की पीड़ा को महसूस कर रहे थे। और जिस समय तुम दूसरों को रोकते हो, उस समय तुम स्वयं को ही रोकते हो। जिस समय तुम दूसरे के रास्ते में बाधाएं लाते हो, वे बाधाएं तुम्हारे अंदर आती हैं। और वो बीज 500 हल और 500 मजूर और 1000 बैल, उन सब की वो बद्दुआ, उनकी सारी वो भूख की वेदना, संवेदना, वो पीड़ा, वो घनीभूत होकर के रिवर्स हो गई, जहां से आई थी वहां लौट गई। और वो जाकर के ढंडन रुचि की चेतना में स्टोर हो गई कि खाने का समय हो जाए तो भी खाना नहीं मिलेगा, खाने का समय हो जाए तो भी खाना नहीं मिलेगा। उपलब्ध है, सामने है, दूसरों को मिलेगा लेकिन तुमको नहीं मिलेगा। और उसके परिणाम स्वरूप ढंडन रुचि अनगार को आहार नहीं मिल रहा था। भक्त पान विच्छी है, किसी के भोजन में, किसी के आहार में, किसी के पानी पीने में यदि इस प्रकार का अंतराय आप लाते हैं तो सोच करके चलिए, बाधाएं आप लाते तो सोच करके चलिए कि वो बाधा मल्टीपल होकर के, कई गुना होकर के आपके जीवन में आएगी। वहां उन्होंने उसको कोई मारा नहीं, पिटा नहीं, चोट नहीं पहुंचाई, कुछ नहीं पहुंचाई। भोजन भी दिया उनको, लेकिन टाइम आफ्टर टाइम वो जो समय बीता है, भक्त पान विच्छी है। राजा ऋषभदेव
जिनके निर्देश में पूरी प्रजा नए नए रास्तों पर प्रयोग कर रही है। खेती करना उन्होंने सिखाया और फसल आई है और फसल को खलिहान में लेकर के गए हैं और बैलों के द्वारा उनको रौंदा जा रहा है और बैलों से रौंद करके दाने बाहर निकालने की प्रोसेस चलनी है, पूरे बांध ऋषभदेव ने बताई है। लेकिन जैसे ही उस खलिहान में बैल चलने लगे तो उस खाने लगे, वो फसल को खाने लगे और किसानों ने जाकर के ऋषभदेव से बात करी कि राजन वो तो सारा वही खा रहे हैं, हम क्या खाएंगे। और ऋषभदेव ने कहा ऐसा करो, उनको बताया उनके मुंह को बांध दो, कपड़ा लगा दो, मुस्के बांध दो जिससे वो सांस तो ले सके लेकिन खा नहीं सके। सांस लेने की जगह खुली रह गई लेकिन खाने और पीने की जगह बंद हो गई और खलिहान में बैल चलने लगे, फसल रोने लगे, दाने अलग हो गए, काम पूरा हो गया। और काम पूरा होने के बाद उन किसानों ने अपने बैलों को पशुओं को चारा डाला, पानी सामने रखा, लेकिन वो खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे। उन्हें लगा कि थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद शाम हो गई, लेकिन बैल खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, भोले थे। उनको इतना ही पता था जितना ऋषभदेव कहेंगे उतना करना। ऋषभदेव ने मुस्के बांधने के लिए कहा था, खोलने के लिए नहीं कहा था। और वो बैल भूख के मारे तिलमिला रहे, तड़प रहे हैं, प्यासे हैं, और उनके तड़पन देख करके उनके सामने पानी रखते लेकिन पीते नहीं है, घास रखते लेकिन खाते नहीं है। समझ में नहीं आ रहे क्या समस्या हो गई। और राजा ऋषभदेव के पास गए, बोले राजन वो बैल आप खा नहीं रहे, पी नहीं रहे। उनको भूख लगी, उनके प्यास लगी, लेकिन वो पी नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे। ऋषभदेव ने पूछा है, तुमने उनके मुस्के खोले क्या। बोले आपने कहा ही नहीं था मुस्के खोलने के लिए। और रुजा ने ऋषभदेव ने देखा, हां मैंने को खोलने के लिए नहीं कहा था। बोले जल्दी से जाकर के खोलो उनके मुस्के। और मुस्के खोले, उन्हें खाना पीना शुरू किया। बंधु ध्यान में रखना, राजा ऋषभदेव के मन में उन बैलों को लेकर के कोई दुर्भावना नहीं थी। राजा ऋषभदेव के मन में कोई विचार नहीं था कि भूखे रहे प्यासे रहे बैल। राजा ऋषभदेव के प्रयोजन तो केवल इतना ही था कि खलिहान के समय में फसल सुरक्षित रह जाए। लेकिन एक छोटा सा निर्देश देने में वो मिस्टेक कर गए। एक छोटा सा निर्देश देना रह गया कि काम होने के बाद मुस्के खोल देना, और उतने समय के लिए जब तक उनकी मुस्के बंधी रही बैल को खाने और पीने को नहीं मिला है। इस प्रसंग को अच्छी तरह से समझिए। आई नो, मुझे पता है तुमने कहानी सुनी हुई है, लेकिन इस स्टोरी को अंडरस्टैंड करिए। मुस्के किसानों ने बांधी है, मुस्के किसानों ने नहीं खोली है, लेकिन अंतराय कर्म का बंध भगवान ऋषभदेव का हुआ है। और उसके परिणाम स्वरूप दीक्षा लेने के बाद 13-13.5 महीने तक उनको अन्न पानी नहीं मिला है। इनडायरेक्ट, लेकिन जिम्मेदारी नेतृत्व की है, जिम्मेदारी लीडर की है, जिम्मेदारी गुरु की है, जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। शिष्य अपराधेर गुरुर दंडो इसलिए कहा जाता है।
कि शिष्य का गुनाह हो जाए तो सजा गुरु को मिलेगी। गुरु गुनाह करे तो सजा तो गुरु को मिलनी ही मिलनी है, लेकिन शिष्य भी गलती करेगा तो सजा गुरु को मिलेगी। गलती प्रजा ने करी थी, नहीं ऋषभ देव ने उनको मुस्के खोलने के लिए कहना भूल गए थे, छदमस्त थे। मैं प्रसंग इसलिए सामने रख रहा हूं आपके कि नेतृत्व को कितना परफेक्ट होना चाहिए, लीडर को कितना सही होना चाहिए, कितना क्लियर होना चाहिए। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी डायरेक्शन वेरी क्लियर जाना चाहिए। डू और डू नॉट डू, और व्हाइल डू और व्हेन डू, ये सारे उत्तर पहले से दिए होने चाहिए। ये नेतृत्व की सीख है, इसलिए भक्त पान विच्छे आई भारा रोपने। आपके घर की व्यवस्था, आपकी संघ की व्यवस्था, आपके समाज की व्यवस्था, राजा कुमार पाल के श्रद्धेय गुरु आचार्य श्री हेमचंद, और एक बार एक प्रसंग उनके पास गुजरा है। आचार्य हेमचंद के बदन पर एक बहुत जाड़ी खुरदरी चादर उड़ी हुई उन्होंने देखी। एक बार उनके पास एक विधवा बहन पहुंची रोते हुए। दो प्रसंग एक साथ, एक विधवा बहन का क्रंदन उनके पास पहुंचा। वो खादी के चद्दर जो खुरदरी थी और ओढ़ करके वो बैठे हुए थे। राजा कुमारपाल दर्शन के लिए आया और कुमारपाल ने वो चद्दर देखी, बोले ये क्या है। और तब आचार्य हेमचंद्र ने प्रजा का क्रंदन उनके पास लिखा है कि उस समय कानून था, राजा कुमारपाल के राज्य का एक कानून था, उस समय की सत्ता का एक कानून था, यदि किसी का पति मर जाए तो सारी संपत्ति राजकोष में जमा हो जाती थी, और एक एक बहन का पति का मौत हो गई और वो रोई। उसको पता था कि पति तो चला गया लेकिन अब ये धन भी चला जाने वाला है। ऐसे कितनों की बद्दुआ राजा कुमारपाल को मिल रही थी, और आचार्य हेमचंद्र ने कहा कि तुझे खद्दर चुभ रही है, ये चद्दर चुभ रही है, लेकिन इतने सारे बहनों का क्रंदन तुझे सुनाई नहीं दे रहा है, किससे तू ले रहा है। और कहते हैं कि राजा कुमारपाल ने उस दिन से अपने देश में कानून पास कर दिया है, वो कानून स्थगित कर दिया है कि आज से किसी भी विधवा का धन राजकोष में जमा न होगा। ये सूत्र है कि नीति कैसी होनी चाहिए, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, संघ के आदेश कैसे होने चाहिए, परिवार के प्रमुख का दायित्व क्या है, और ये दायित्व यदि आप समझ पाए तब जाकर के घर में अहिंसा भगवती की आराधना हो पाएगी। और जिस घर में अहिंसा भगवती की आराधना होती है उस घर में और किसी देवी की आराधना करने का कोई जरूरत ही नहीं। जहां अहिंसा भगवती आ गई वह पूरा पूरा समृद्धि का, लक्ष्मी का, सिद्धि का, सुरक्षा का माहौल बन सकता है। एक बार चेक करिए क्या आपके व्यवहार के कारण से
आपके निर्देश के कारण से, आपके किसी शब्द के कारण से कोई घर में भूखा तो नहीं रह रहा है, कोई प्यासा तो नहीं रह रहा है। एक मातृ भक्त बेटा है, पुराने करीबन 50 साल पहले का एक प्रसंग होगा, आप तो मुश्किल है ना। बेटा सर्विस करता था, शादी हो चुकी थी और एक दिन ऑफिस में से कोई फाइल घर में भूल गया था, तो ऑफिस जाकर के वापस लेने के लिए घर में आया, उसमें मां भोजन कर रही थी और उसने मां के थाली की तरफ देखा कि सूखी रोटी है और मां अचार के साथ खा रही है, चटनी के साथ खा रही, कोई सब्जी नहीं है और बूढ़ी मां है। वो दृश्य उसने देखा है लेकिन समझदार था, वो कुछ बोला नहीं। मां को भी दुख हुआ है कि बेटे ने देखने के बाद भी कुछ बोला नहीं, लेकिन बेटा बहुत समझदार था, बेटे को पता था मैं कुछ भी बोलूंगा तो कोहरम मच जाएगा। सेकंड डे जैसे वो भोजन के लिए बैठा, उसने मां को साथ में बुला लिया। मां ने कहा नहीं मैं बातें खाऊंगी, नहीं मां आज तो मेरे आज से तो मेरे साथ ही भोजन करेगी। पत्नी कुछ नहीं बोल पाई कि जब बेटे ने कहा कि मैं मां के साथ ही भोजन करूंगा और समस्या का समाधान हो गया, बिना बोले समस्या का समाधान हो गया। ये भक्तप्पा ने विच्छी है, अरम गर्भ संस्कार की साधना दे रहा था मैं और फीडबैक ले रहा था, उसमें मैंने कहा हुआ था साधना के सूत्र में कहा हुआ था कि खुश मन से प्रसन्न मन से आहार करना, रोते हुए आहार मत करना, परेशान होकर के आहार मत करना, खुश रहना। साधना के साथ कैरेक्टर भी चाहिए। सेकंड बार जिसमें फीडबैक ले रहा था, एक पार्टिसिपेंट ने फीडबैक के लेटर में एक लेटर डाल करके दिया, इसको बाद में पढ़ना। उसके साथ में उसकी सासू आई हुई थी, मदर इन लॉ साथ में थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि क्या सास इसकी केयर कर रही है, उसको अकेले नहीं आने दे रही है, साथ में आ रही है, साथ में ले जा रही है। लेकिन दिस्त तस नस्त मनुन जग फस्त है। मैं तो सोच रहा था कि वो केयर कर रही है और जिस समय वो सारे लौट गए, मैंने लेटर निकाल करके पढ़ा और तब एक अलग सच सामने आया। उस पार्टिसिपेंट उस बहन ने लिखा था कि मरा साहब अपने कहा कि खुश रहकर के आहार करना है, रोना मत। कैसे करो मरा साहब, मैं सबको गरम गरम खाना परोस सकती हूं लेकिन मुझे तो बासी ही खाना पड़ता है, मुझे ठंडा ही खाना पड़ता है। मैं खिला सकती हूं गरम लेकिन खा नहीं सकती हूं गरम। एक नया कैरेक्टर सामने आया। अब यदि मैं बुलाकर सास से बात करूं तो पता नहीं बहू के साथ क्या हो जाए, इसलिए मैंने उसको नहीं बुलाया, मैंने उसके बेटे को बुलाया, उस बहन के पति को बुलाया और उसे एक छोटा सा मंत्र दिया है, बड़ी सिंपल मंत्र दिया है कि तू पिता बन रहा है, तेरे पिता बनने की यात्रा चल रही है। वो बहुत खुश था, बोले हाँ। तो मैंने कहा वो साधना करनी है, क्यों? साधना के साथ एक छोटी सी बात तुझे भी करनी है, तुम दोनों साथ में भोजन करोगे, जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होती है तब तक तुम साथ में भोजन करोगे, नाश्ता साथ में करोगे, खाना पीना तुम्हारा साथ में रहेगा।
मैंने उसके पास कुछ बात बताई नहीं, यदि मैं बात बताता है तो महाभारत हो जाता है और समाधान तो देना ही था। ये भक्तपान इच्छी है, मैं बता रहा हूं क्या हालत होती है। 2006 का चतुर्मास साधना सोसाइटी पुनः चल रहा था और एक बहन, एक मां, एक श्रीमंत परिवार की बहू अपने 10-11 साल के बेटे को लेकर के मेरे पास पहुंची और कहा कि मर साहब बहुत परेशान हो गई हो इससे। मैंने कहा क्या हुआ है? बोले मर साहब इसको हम कहीं ले जाने के लायक नहीं रहे। बोले हुआ क्या है? ले जाना पड़ता है। बोले नहीं ले जाए तो अच्छा नहीं लगता है और ले जाए तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। बोले क्या? बोले मां साहब इसको कहीं पर भी ले जाओ, वहां से कोई ना कोई वस्तु ये चुरा करके ले आएगा, कहीं से बिस्किट ले आएगा, कहीं से काजू ले आएगा, कहीं से बादाम लेकर आएगा जेब में भर लेगा, कहीं से चम्मच लेकर आएगा। मैंने कहा क्यों? बोले पता नहीं मां साहब, घर में सब खाने का मिलता है, पीने का मिलता है, पॉकेट मनी मिलती है, फिर भी ये चुरा के ले आता है। मैंने बच्चे को थोड़ा बाहर भेज दिया और मां से पूछा, जिस समय तेरे पेट में था उस समय तूने ऐसा कुछ किया क्या? तूने कोई चोरी छिपे खाया क्या? चोर का चुरा करके खाया क्या? और बहन ने कहा कि मेरा साहब संपन्न परिवार की बहू, लेकिन सासू सारा कुछ ताले में बंद रखती है, जितना देती उतना ही मिलता था और भूख लगती थी तो मैं चुरा करके रखती थी। अब प्रेगनेंसी के समय में उसने ये किया तो बच्चे का कैरेक्टर वो बन गया। ये भक्तपान विच्छेद की मैं कुछ एग्जाम्पल तुम्हारे सामने रख रहा हूं। दो प्रसंग मैंने इतिहास के रखे, पुराण के रखे, ढंडन रुचि और ऋषभदेव का, और बाकी इस समय के प्रेजेंट के प्रसंग मैंने आपके सामने रखे, इसलिए मैंने भक्तपान विच्छेद पर बहुत लंबी बात करनी थी। मैंने देखा हुआ है, मैंने इसको जिया हुआ है। हालत क्या बन जाती है? घर के बूढ़ों को ठंडा खाना मिले और जवानों को गर्म खाना मिले, ये भक्तपान विच्छेद का और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? एक बार चेक करो कि तुम्हारे घर में जो मजदूर काम कर रहे, लेबर काम कर रहे, उन पर कहीं लोड ज्यादा तो नहीं जा रहा है? उनका कहीं आहार पाने का विच्छेद तो नहीं हो रहा है? याद रखना है, वो सहन कर जाएगा, वो झेल जाएगा, लेकिन उसके परिणाम जब तुम्हें भुगतने पड़ेंगे तो बहुत भारी जाएगा। आज मैं कई घरों में देखता हूं, कई परिवारों की कहानियां सुनता हूं, अरबपति परिवार के, अरबपति परिवार आपके पुना का ही है, नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन घर का मालिक घर में भोजन नहीं करता है। मैं उस परिवार के आंगन में रुका हुआ था, एक रात के लिए रुका हुआ था और फैमिली बैठी हुई थी। नाम तो मुझे याद है लेकिन बोलूंगा नहीं। वो खाना खाने के लिए अपने कंपनी के कैंटीन में जाकर खाता है, घर पर नहीं खाता है। मैंने उस भाई से पूछा, उसके मिसेस ने कहा मां सभी घर पर खाना नहीं खाते हैं।
मैंने मिसेस के सामने नहीं, लेकिन बाद में भाई को पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, और भाई ने एक प्रसंग सुनाया बंधु कि एक दिन उनको भूख लगी थी और अभी भोजन का समय बाकी था, लेकिन भूख लगी थी, लंच का टाइम नहीं था लेकिन भूख लगी थी, और उसने मिसेस से कहा कि मुझे भूख लगी, खाना परो जल्दी से। घर में रसोई या खान समा काम करने वाला है और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठे, और उस मिसेस ने एक सेंटेंस बोला, क्या सुखे में से आए हो क्या, क्या अकाल में से आए हो क्या, भूखमरे हो क्या? और वो शब्द सुनते ही बोले, मरा साहब भूख मर गई और मैं उड़ गया, और उस दिन से तय किया है कि इस घर में खाना नहीं खाऊंगा। एक शब्द, एक सेंटेंस, क्या हो गया? भक्त पान विच्छी है, और ये जहां पर घर में चलता होगा वहां क्या सामायिक, और वहां क्या प्रतिक्रमण, और वहां क्या माला। यदि घरवाले घर वालों को दुआ न दे पाए, घरवाले घर वालों को मंगल कामना दे न पाए, और घरवाले घर वालों से दुखी रह जाए, तो कैसे समय की साधना हो पाएगी, कैसे भक्तामर की आराधना हो पाएगी? ये बहुत बार सवाल आते हैं कि मां साहब घर में शांति नहीं है, कोई मंत्र बताओ, कोई जाप बताओ। और मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, मैं सीधा बोल देता हूं, किसी जाप करने के कारण से घर में शांति नहीं होगी, तुम्हारा कैरेक्टर शांति का होगा, तुम्हारे परस्पर के रिश्ते में प्रेम होगा तो ही घर में शांति होगी, किसी माला गिनने से घर में शांति हो जाए, ये पाखंड है, ये भोंदूगिरी है। जब तक तुम्हारे रिश्तों में प्यार नहीं है, जब तक तुम्हारे रिश्तों में सौहार्द नहीं है, जब तक तुम्हारे रिश्तों में स्नेह नहीं है, कितनी ही माला गिन लो कुछ नहीं होने वाला है। और तुम्हारे रिश्ते में प्यार है, बंदे वे छवि छे आई भारा रोपणे भत्त पान विच्छिए, ये पांच अतिचार तुम्हारे घर में नहीं है तो बिना माला गिने भी तुम्हारे घर में शांति का साम्राज्य है। शांतिनाथ की कथा करके घर में शांति नहीं होगी तो शांतिनाथ के चरित्र से घर में शांति होगी। लोग शांति कथा तो करते हैं लेकिन शांतिनाथ का चरित्र फॉलो नहीं करते हैं। गुरुदेव का जयकारा लगाने से जीवन में आनंद नहीं आएगा, गुरुदेव के लाइफस्टाइल जीवन में स्वीकार करोगे तो ही आनंद आएगा। जयकारा लगाने में लगता है क्या है, लगवाने में भी कुछ नहीं लगता है, लगने में कुछ नहीं लगता है, लेकिन जय घोष के कारण से जिंदगी में जय मिल जाए तो फिर देखना ही क्या आता है, लाइफस्टाइल। तो अहिंसा भगवती की आराधना इसलिए लंबी आपके साथ चली है कि मैक्सिमम तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे साइकोसोमेटिक डिसीज के रूट कॉज कहीं पर है तो यहां पर है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले अहिंसा भगवती की आराधना का संकेत किया है। माहनो माहनो मत मारो, उसी को महान कहा है। उम्मीद करता हूं कि आप इस अहिंसा के तीर्थ की स्थापना अपने जीवन में अपने घर में करने के लिए तैयार हो जाओगे। आशा करता हूं कि इन पांच अतिचारों से मुक्त होकर के घर में अहिंसा भगवती की आराधना शुरू करोगे। एक बार अपने परिवार के साथ बैठ करके मीटिंग करिए, सिटिंग करिए, संवाद करिए, और उसमें तय करिए
कि हम परस्पर में एक दूसरे को टॉर्चर नहीं करेंगे। हम एक दूसरे पर हुक्म नहीं चलाएंगे। हम रिक्वेस्ट की भाषा में बात करेंगे, हम अनुरोध की भाषा में बात करेंगे, हम सजेशन की भाषा में बात करेंगे। सारे शिविर में लेता हूं, ब्लिसफुल कपल का भी लेता हूं, पेरेंटिंग का भी लेता हूं, फैमिली का भी लेता हूं, इसलिए बहुत सारा डेटा मेरे पास है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। और ये यदि जीवन में हो गया, यदि परिवार में हो गया, यदि संघ समाज में हो गया, एक बार अपने घर को चेक कर लीजिए। आजकल एक दो सिस्टम नहीं आ गई है घरों में, बड़ी खतरनाक सिस्टम आ चुकी है, बहुत डेंजर सिस्टम आ चुकी है। और कई जैन घरों में मैंने उसको देखा है। हमारे तीर्थ शिष्य महाराज साहब तो जिस घर में वो चीजें दिखती है उस घर को अस्वस्थ करके आ जाते हैं, उस घर से आहार ही नहीं लेते। मस्किटो बैट मैंने जब एक घर में देखी तो मैंने कहा क्या, तो मुझे इसने जानकारी दी, मतलब ये उसकी नहीं, टेनिस की नहीं है, इलेक्ट्रिक की। बोले मैंने कहा इलेक्ट्रिक किस लिए, बोले मच्छरों को मारने के लिए। सोचिए इतने मच्छरों को मार करके तुम कैसे अहिंसा भगवती की आराधना कर पाओगे। एकाध दो दस पंद्रह मच्छर आपको काटते होंगे, लेकिन उसके लिए आप हजारों मच्छरों को मारते हो, ये जुलूम नहीं है। मच्छर से बचने के और उपाय नहीं है आपके पास। मच्छरदानी हो सकती है, मॉस्किटो नेट लगा सकते हो घर को, लेकिन ऑल आउट, और ऑल आउट लगाकर आप क्या कर रहे हैं? वो सारा केमिकल जो मच्छरों को मारता है वो हवा में घुल करके आपके फेफड़ों में जाता है, और आपके फेफड़ों में जाकर के आपके लंग्स को वो पॉइजन के हेल्दी बनाएगा। चेक करिए, बहुत पुरानी बात है, अब तो हम शक्कर अलग से लाते भी नहीं है, लेकिन गोत्री गया वहां था, एकासन चल रहे थे, दूध भी गोची में लेकर आया था, और बहन ने दूध में शक्कर डाली थी, और जब स्थानक में आकर के पात्री खोल करके देखी तो सारी ऊपर चीटियां ही चीटियां थी। सोचिए, दिलीप धींग, डॉक्टर दिलीप धींग ने एक प्रसंग संस्मरण लिखा है कि वो ट्रेन से प्रवास कर रहे थे, और साथ में उस प्रवास में एक जैन परिवार उनके पड़ोस में बैठा था, बातचीत हो गई। एक स्टेशन पर उस परिवार ने स्टॉल पर से भेल के नमकीन के पूड़े खाने के लिए रेडीमेड बने हुए, और इनको भी कहा लीजिए, बोले नहीं लेता, बोले लीजिए, बहुत आग्रह किया, और जब आग्रह किया तो इन्होंने भी एक पुड़ा लिया और उसको खोला, और जैसे इनकी अपनी प्रकृति थी कि अहिंसा को जानते थे, उन्होंने उसको उस भेल को देखना शुरू किया
और जैसे भेल को देखना शुरू किया तो अंदर चीटियां चलती हुई नजर आई और उन्होंने उन सज्जन को बताया कि देखो जो भेल तुम खा रहे हो उसमें कितनी चीटियां हैं। बिना देखे बिना परखे जब आप डाइट ले लेते हो तो परिणाम क्या आते हैं? मार्केट फूड टॉनिक्स एक बार चेक तो करिए कि उसमें किसमें क्या पड़ा हुआ है, कौन से कंटेंट्स उसमें है, ये बिस्किट ये चॉकलेट्स कैडबरीज। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब में पड़ा हुआ है, लेकिन एक बार चेक करिए कि किसमें क्या पड़ा हुआ है। नहीं, इस बहाने से आप शाकाहार से कहीं मांसाहार तो शिकार नहीं कर रहे हैं। जब मिक्स होटल में जाकर के आप भोजन लेते हो और ये कहते हैं कि उनका किचन अलग अलग है, लेकिन स्मेल तो अलग अलग नहीं है ना। आपके पड़ोस के टेबल पर बैठ करके जो नॉन वेज खा रहे होंगे उसकी स्मेल तो आपके पास आ रही होगी ना, वो आंखों से तो आप देख रहे होंगे ना। जब आपका नाक मर जाएगा, जब आपका आंख मर जाएगी, तो जुबान को मरते टाइम कौन सा लगने वाला है। इसलिए अहिंसा भगवती की आराधना की कुछ बातें भक्त पान विच्छेद के आधार पर आई भारा रोपने के आधार पर आपसे आज करी, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने जीवन को अहिंसा भगवती को समर्पित कर करके सिद्धि समृद्धि और सौख्य के रास्ते पर स्वयं को भी ले जाओगे, परिवार को भी ले जाओगे, संघ और समाज को भी ले चलोगे। बस चलते चलते बिना विश्लेषण का एक संकेत कर रहा हूं, आजकल बहुत फैशन बढ़ गया है यूज एंड थ्रो की चीजों का उपयोग करने का। चाय पी पहले फेंक दी, डिश में खाना खाया डिश फेंक दी, यूज और थ्रो। यहां तो मैंने देखा नहीं नीचे क्या चल रहा है, लेकिन क्योंकि इस बार तो लॉकडाउन का माहौल है इसलिए कम से कम लोग आ रहे हैं, लेकिन पिछले 4-5 सालों से मैंने एक नियम बना रखा हुआ है, जहां भी संघ के आंगन में चतुर्मास होता है, संघ को पहले कोई भी कार्यक्रम होता है तो पहला संकेत करता हूं कि भोजनालय में यूज और थ्रू की चीजें काम में नहीं ली जाएंगी। वो चाय पी करके प्याली आप फेंक देते उसमें कितनी चीटियां आती होगी, और यूज और थ्रो के माध्यम से आप कितना पर्यावरण का इकोलॉजी का नुकसान कर रहे। इसलिए ऐसी बहुत सी बातें हैं संकेत किया है, उस एंगल से देखकर के आगे बढ़ोगे तो अहिंसा भगवती का आनंद ले पाओगे। और अपने घर को तीर्थ बनाइए, परमात्मा का तीर्थ बनाइए, घर को अर्थ और व्यर्थ से अनर्थ और व्यर्थ से मुक्त करिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज के पंचकान एकासन उगे सूर्य एक समय